एस का नंबर वन शो देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। बिहार की सियासत में आप जानते हैं, जी न्यूज अगर देख रहे होंगे तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से भूचाल आया हुआ है। और भूचाल किसकी वजह से आया है? भूचाल आया है जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी की वजह से। तो जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन 5 साल बाद फिर से टूट गया है। करीब 45 मिनट पहले अब से सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल फागू चौहान को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, मीडियाकर्मी उनका रिएक्शन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीरें आप देख रहे थे। किस तरह से आरजेडी का जो वर्कर है उसमें जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। लालटेन धारी आ गए हैं, ये खुद लालू प्रसाद यादव की बेटी द्वारा ट्वीट किया गया है। और किंग मेकर वो अपनी पार्टी को बता रही है नीतीश कुमार के फोटो के साथ, उनके द्वारा ये भी ट्वीट किया गया। आपको बता देते हैं, नीतीश कुमार ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को 160 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी सौंप दी है। राजभवन के बाहर नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर उन्होंने आरजेडी के नेताओं के साथ बैठक की। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बिहार में अब क्या होगा, किसने किसके साथ खेला किया है और किसके साथ यह खेला हुआ है। क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया है या फिर जो दिख रहा है वैसा नहीं है, जो बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसकी सियासी स्क्रिप्ट के पीछे कोई और ही खेला तो नहीं है। यह सवाल आज भी उतने ही रेलेवेंट है जितने ये कल दिखाई दे रहे थे। आखिर बीजेपी के साथ आने के बाद अचानक नीतीश कुमार का मोह भंग क्यों हो गया, इसी पर विस्तार से बात होगी। मेरे कई सहयोगी हमारे साथ होंगे और कई एक्सपर्ट्स भी, साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हर पहलू से इस बड़ी खबर से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन जी न्यूज पर हम पहुंचाएंगे। बहस के नंबर वन शो ताल ठोके में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से देखिए हमारी रिपोर्ट। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की था ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। जनता के विकास का ध्यान दाता, बिहार का विकास का ध्यान दाता, तो ये पलटू राम की तरफ पलटते नहीं, ये पलटू राम जी पलट रहे हैं। मेरी शुभकामना है पलटू राम जी के लिए। शायद नीतीश कुमार जी समझ गए हैं कि इनके साथ अलायंस करने में इन्हीं की पार्टी के लिए हानिकारक है और इनकी पार्टी के साथ साथ देश के लिए हानिकारक है, इसलिए आज वो उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ही इनका नाम पलटू राम रखा था। अब तेजस्वी जी तो अब पलटू राम नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हीं के तरफ पलटे। आपको जब साथ थे उस समय भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आपको केंद्रीय मंत्री बनाया था, आपको रेल मंत्री और कृषि मंत्री बनाया था, औकात क्या थी आपकी? लोग हल्ला है कि ये प्राइम मिनिस्टर के दौर में आगे आ रहे हैं, इसीलिए अब नरेंद्र मोदी के साथ रह करके हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो सोचिए जरा, बिहार में जिस तरह से पूरा सियासी घटनाक्रम बदल रहा है, कहना चाहिए बड़ी तेजी से बदल रहा है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन खत्म करते ही सभी विपक्षी दलों से सियासी दोस्ती साधी, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। नीतीश कुमार आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी अंदर ही अंदर उन्हें कमजोर कर रही थी, यानी अपने अलाय को कमजोर कर रही थी। बीजेपी का आरोप ये है कि जो कुछ भी हो रहा था वो जनता के साथ धोखा है अब, और जनता इसके लिए जेडीयू को माफ नहीं करेगी। कुल मिलाकर बिहार में बार बार सियासत का पलटी गेम, इसे कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और नए समीकरण जो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद सामने आ रहे हैं, उन्हें लेकर भी कई सारे सवाल हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन बड़ा सवाल, जो अहम सवाल है, वो बीजेपी ने ही उठाया कि पॉलिटिक्स के पलटी मार फिर नीतीश कुमार। बिहार पर किसकी निगाहें हैं और किसका निशाना है, और बिहार में दरार क्या चल पाएगी? बड़ा सवाल है ये, क्या चल पाएगी नई सरकार? और खेला से पहले क्या माना जाए ये नीतीश कुमार ने,
खेलबाजी कर दी, क्योंकि नीतीश कुमार खुद ही कह रहे हैं उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, और लालटेन प्लस तीर बीजेपी से ये खेला गंभीर। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं रुख करूंगी, मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले रवि त्रिपाठी का रुख करते हैं। रवि त्रिपाठी, इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ा क्या है सबसे बड़ा अपडेट? जाहिर तौर पर बीजेपी कह रही है धोखा दिया है, ये बीजेपी के साथ नहीं जेडीयू ने दरअसल जनता के साथ छल किया है। आप ये बताइए ग्राउंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है? देखिए, ग्राउंड की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव थोड़ी देर में राजभवन जाने वाले हैं और जाकर वहां दावा पेश करने वाले हैं नई सरकार का। महागठबंधन की जो सरकार बनेगी उसका आंकड़ा बताएंगे कि कौन कौन उनके साथ है, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ 115 और नीतीश कुमार के साथ 49, यानी कुल मिला जुला के 164 विधायकों के समर्थन का समर्थन पत्र देने वाले हैं। और सरकार अब इसके बाद कब शपथ लेंगे, आज लेंगे कल लेंगे, इसका ऐलान होगा। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं दोनों नेता। यहां से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार अगली गेट से, जो राजभवन के सामने उनका गेट है, वहां से निकल चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, देखिए नीतीश कुमार ने उसी फॉर्मूले को साबित किया है जो कहावत राजनीति में कही जाती है कि राजनीति में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है न ही परमानेंट दुश्मन होता है। उस फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ रहे हैं और उनकी इच्छा है प्रधानमंत्री पद की तरफ जाने की। तो जो अगर ट्वीट देखें आप उपेंद्र कुशवाहा का, तो उसके हिसाब से ही है कि नीतीश कुमार आप देश की राजनीति के लिए आगे बढ़िए, तो हो सकता है कि साल डेढ़ साल सवा साल और वो बिहार की राजनीति करें, लेकिन उनका अगला निशाना प्रधानमंत्री पद है और प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव देना है। जिस तरह से उन्होंने एनडीए से निकलने की बात यहां की है और बाकी लोगों को एनडीए छोड़ने की अपील की है, तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस भी उनका साथ देगी, आरजेडी भी उनके साथ होगी और कुल मिलाजुला के अब एक घेराबंदी शुरू होगी, एक गठबंधन तैयार होगा जिसके फेस नीतीश कुमार हो सकते हैं देश में एक नए गठबंधन का। लेकिन फिर ममता बनर्जी का क्या होगा, ये भी तो एक सवाल उठेगा। रवि त्रिपाठी, इस सवाल के साथ लौटूंगी मैं कहीं और। मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर ही मौजूद है, अमित प्रकाश हमारे साथ हैं। आप तस्वीरों में उन्हें देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर और साथ ही आप देख पा रहे हैं अमित माफ कीजिएगा ब्रह्म प्रकाश दुबे को भी, लालू प्रसाद यादव की बेटी के घर के बाहर से वो हमारे साथ है। लेकिन पहले अमित प्रकाश, आप जहां पर मौजूद हैं वहां से सबसे ताजा तस्वीरें आपके पास, और बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार को कि उन्होंने एक बार फिर से पलटी मार दी है, सवाल खड़े कर रही है, जनता के साथ धोखा करार दे रही है। लेकिन जेडीयू का आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाना, उसके पीछे पार्टियां क्या लॉजिक दे रही हैं? देखिए, इस वक्त तो मैं अदिति आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मैं एक अणे मार्ग के ठीक बाहर मौजूद हूं और यहां समर्थकों की भीड़, अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार जब राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करके लौटे थे उस वक्त बहुत ही अफरा तफरी का माहौल था। अचानक वो गाड़ी से बाहर निकल गए, लोगों से मिले और फिर वापस वो अपने सरकारी आवास में दाखिल हो गए। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद, जैसा रवि बता रहे हैं, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ राजभवन जाने की तैयारी है और इसी की तैयारी यहां दिख रही है आपको। ये सीधी तस्वीर में इस वक्त एक अणे मार्ग सरकारी आवास बिहार के मुख्यमंत्री का, वहां से ये सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां अब तैयारियां हो रही हैं औपचारिक नए सरकार के ऐलान के लिए और उसके बाद अपने समर्थन पत्र के साथ यहां से निकलने के लिए, अपने समर्थन पत्र के साथ राजभवन जाने के लिए। तो ये पूरी तैयारी यहां से हो रही है और उस तैयारी के बीच में कितनी देर में एक्सपेक्टेड है, कितनी देर में एक्सपेक्टेड है अमित प्रकाश, जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। अब से उम्मीद की जा रही है तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद, ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है, इस फ्रेम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ यहां से निकलेंगे और इसीलिए ये तैयारियां हैं। मान के चलिए 10 से 15 मिनट का और वक्त है, यहां जो आपको ये फ्रेम दिख रहा है, इस फ्रेम से यहां से, जैसे मैंने कहा कि बमुश्किल यहां से दूरी तकरीबन 100 मीटर की भी नहीं है राजभवन की, तो अब दोनों नेता एक साथ यहां से निकलेंगे और उसी की तैयारियां अब वो तैयारियां बता रहे हैं। आपसे करीब 10 मिनट आप मानकर चलिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पहुंचेंगे राज्यपाल के पास, समर्थन पत्र उन्हें सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, ये अमित प्रकाश के सोर्सेज उन्हें बता रहे हैं। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं। रविंद्र कुमार, बीजेपी इसे जनता के साथ धोखा करार दे रही है, लेकिन उनके विरोधी कह रहे हैं, बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं आप भी तो यही करते आए थे। देखिए, बीजेपी के लिए एक तरह से रामबाण साबित होगा नीतीश कुमार का सरकार से इनको बाहर करना या गठबंधन से तोड़ना, क्योंकि हाल फिलहाल में आपकी जानकारी होगी अदिति कि बीजेपी के आला नेतृत्व ने एक फैसला लिया था। बहुत ये बीजेपी के लिए इस तरह से होगा ये बता दे रहा हूँ कि बीजेपी ने एक फैसला लिया था आला नेतृत्व ने और 243 में से 200 जगहों पर
बिहार के 200 विधानसभाओं में पार्टी के आला नेतृत्व, बड़े बड़े नेता हर मोर्चे के गए थे और वहां से सर्वे रिपोर्ट दिए पार्टी अध्यक्ष को, गृहमंत्री अमित शाह को, और उस रिपोर्ट पर बातचीत हुई, प्रधानमंत्री स्तर पर लेवल पर बातचीत हुई कि ग्राउंड पर बीजेपी के बारे में क्या स्थिति है, उसके संगठन के बारे में, लोगों के बारे में क्या सोच है। और जो हमें जानकारी मिल रही है, लोगों का गुस्सा था बीजेपी के ऊपर, संगठन चाहता था, लोग चाहते थे कि ये सरकार इस तरह से नहीं चले, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसकी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, बिहार पीछे जा रहा है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा, और सारा ठीकरा बीजेपी के ऊपर आ रहा था। और लोगों का यह कहना था कि बीजेपी सरकार से अलग हो जाए और जब भी चुनाव होगा बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। लेकिन पोस्टिंग जो होता है पॉलिटिक्स में, दो दो मोर्चा की जो वहां बैठक हुई थी, गृहमंत्री अमित शाह भी थे, जेपी नड्डा भी थे, इस सर्वे रिपोर्ट के बाद बता रहा हूं जो, लेकिन वहां पर यह कहा गया कि हमारी सरकार ये चलते रहेगी नीतीश कुमार के साथ 2024 भी और 2025 भी, ये पोस्टिंग था। लेकिन जो रिपोर्ट थी उसमें लोगों ने यही कहा कि बीजेपी को बाहर हो जाना चाहिए, जो भी चुनाव होंगे बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, क्योंकि काफी बदनामी हो रही थी बीजेपी की, तो इसलिए बीजेपी के लिए रामबाण होगा, भले ही अभी इनिशियल झटका लगाओ, लेकिन आने वाले समय में पार्टी एक मजबूत स्थिति में खड़ा होगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ हैं, आरजेडी का वर्कर, और कहना चाहिए लालू यादव की जो फैमिली है वो, उनका जोश इस वक्त काफी हाई दिखाई दे रहा है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, आप लालू प्रसाद यादव की बेटी के घर के बाहर खड़े हैं, और क्या इन्फॉर्मेशन है, अंदर कौन कौन मौजूद है, और जाहिर तौर पर इस समय जोश जो होगा काफी हाई होगा? बिल्कुल, देखिए आदिति, हालांकि पंडारा पार्क में जो मीसा भारती का आवास है, सरकारी आवास, यहाँ पर लालू यादव मौजूद हैं, लेकिन अभी कोई मीडिया से बात नहीं करेगा। जो जानकारी दी गई है कि जो भी बातचीत पार्टी की तरफ से की जाएगी वो पटना में ही तेजस्वी यादव कर रहे हैं बातचीत। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, एक आदिति मैं जानकारी दे दूँ आपको कि मेरी कांग्रेस के एक सीनियर नेता से बात कराई नीतीश कुमार की, वो बता रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार और जेडीयू और नीतीश कुमार की पार्टी कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन अब बन रहा है, इसकी पटकथा काफ़ी दिनों से लिखी जा रही थी और इसकी भनक भी बीजेपी को शायद लग चुकी थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोशिश ये की जा रही थी, चूंकि बीजेपी के पास कोई एक बड़ा ओबीसी चेहरा बिहार में नहीं है, लिहाजा ये गठबंधन चलता रहे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से जब बातचीत चल रही थी, सारी चीज़ें फाइनल हो गई, इसके बाद सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की बात कराई गई और कांग्रेस की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि वो शामिल होगी इस सरकार में और जो विधानसभा अध्यक्ष का अध्यक्ष पद है वो भी शायद कांग्रेस ही मांग करे, तो अगर वो कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष का पद लेती है तो उसका जो मंत्रिपरिषद में एक जो है संख्या और कम हो जाएगी, लेकिन ये अभी बात फाइनल होनी है। जो कांग्रेस सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि ये सब बातचीत अभी होनी है कि मंत्रिपरिषद में कितने किसके किस अनुपात में किसके क्या चेहरे हों, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं मेरे सहयोगी अमित प्रकाश हमारे साथ है, बता रहे थे अमित थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे 10 मिनट्स का वक्त है, शायद गाड़ियों का काफिला हम देख पा रहे हैं, काफिला है नीतीश कुमार और तेजस्वी का, ये काफिला जीतन राम मांझी का है। इस वक्त की ताजा अपडेट में आपको बता दूं, जीतन राम मांझी अपने काफिले के साथ इस वक्त दाखिल हुए हैं मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में। ये एक अलग डेवलपमेंट है, एक अलग लेवल की डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि आज शाम 4 बजे जीतन राम मांझी को भी मुलाकात करनी थी अपने तमाम लीडर्स के साथ, और उसके बाद अब उनका इस वक्त एक अणे मार्ग में जाना, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के अंदर जाना, अब इसको लेके क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि हर पल बदलता हुआ पॉलिटिकल अपडेट है, हर पल फास्ट चेंजिंग डेवलपमेंट्स हैं, और उस डेवलपमेंट के तहत इस वक्त की तस्वीर जो थोड़ी देर पहले हमने अपने फ्रेम में देखा, इस वक्त जीतन राम मांझी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, और अब से थोड़ी देर बाद यही फ्रेम अदिति जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, इसी फ्रेम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे राजभवन और तेजस्वी यादव साथ होंगे, ऐसी बात भी आ रही है कि दोनों साथ पैदल चलते हुए इसी जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार वहां पहुंचेंगे और जिस समर्थन पत्र की बात कही जा रही है राज्यपाल को सौंपेंगे, वो तस्वीरें जी न्यूज अमित के माध्यम से आप तक लगातार पहुंचाएगा। हम आपको सुनाना और दिखाना चाहते हैं किस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी कह रही है जनता के साथ चल हुआ है, वहीं जेडीयू की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की कोशिश पार्टी को अपने ही सहयोगी दल को तोड़ने की थी। हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए, जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सपोर्ट तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो
लिए कि सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। यही है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सपोर्ट तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे, उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा, यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मेरे सहयोगी अमित प्रकाश लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित प्रकाश, आपके पास इस वक्त कोई अपडेट जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। अमित का रुख हम करेंगे लेकिन कई खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए माधव आनंद हैं, रतन शारदा आरएसएस आइडियोलॉग हैं, हमारे साथ ज्ञान रंजन जी हैं बिहार कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, राजू तिवारी हैं स्टेट प्रेसिडेंट है लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के, और अवधेश कुमार जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट है। सबसे पहले माधव आनंद, आपके पुराने सहयोगी, खैर उनसे अब आपने नाता तोड़ लिया, वो कह रहे हैं आपने जनता को छला है, बीजेपी को तो धोखा दिया ही, आपने जनता को छला है, जनता ने जो मैंडेट दिया था आपने उसकी अवहेलना की है। अब किसने किसकी किसको धोखा देने का काम किया है ये सबको पता है। आप गठबंधन में रहते हैं और किसी गठबंधन धर्म का पालन न करें और अपने ही गठबंधन के घटक दल को अगर नीचा दिखाने की कोशिश करें, उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश करें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के द्वारा, तो निश्चित रूप से क्या ये गठबंधन धर्म कहलाएगा? गठबंधन धर्म यह कहलाता है कि गठबंधन एक दोनों के सहयोग से चलता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चिराग मॉडल की बात की, आरसीपी मॉडल की बात की, अगर आखिर ये क्यों नौबत आई कि गठबंधन को जैसे बाय बाय कहने की आवश्यकता पड़ गई, हम लोगों को बीजेपी से नाता तोड़ना पड़ा। पूरे डिटेल में अगर जाएंगे तो हम लोग के पास साक्ष्य भी हैं, सबूत भी हैं, सब कुछ है ये, और परिस्थितियां ऐसी बनी कि जहां बीजेपी के साथ चलना मुश्किल हो रहा था। कैसे चलें जब आप मेरी पार्टी को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे, जब आप सरकार को सही ढंग से नहीं चलने देंगे। ठीक है, आप दो बातें कह रहे हैं माधव आनंद, एक तो सहयोगी दल को तोड़ने की साजिश का आरोप आप लगा रहे हैं और दूसरा कह रहे हैं कि सरकार को फंक्शन नहीं करने दे रहे थे। रतन शारदा जी ये कह रहे हैं कैसे गठबंधन का जो धर्म होता है बीजेपी वही नहीं निभा रही थी। ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है नीतीश कुमार जी का मोदी जी से कोई दोस्ती नहीं है, उनका मोदी से कोई प्रेम नहीं है, केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए मोदी जी से हाथ मिला है। जिस प्रकार का उनका तिरस्कार मोदी जी का बार बार किया है वो बताता है कि सत्ता की मजबूरी के कारण नीतीश कुमार जी इस एनडीए में थे, उनकी नजरें कहीं और थी। अभी आप बहाने बनाते रहे, आप लगातार आपके नंबर गिरते रहे, आपकी सीटें गिरती रही। चिराग पासवान का किस्सा तो 2020 का था, तब तो आपने अलायंस बनाया, तब तो आपने कहा नहीं चिराग पासवान के कारण हम नहीं करेंगे आपके समझौता। दो साल बाद आपकी बत्ती क्या जली? दो साल इसलिए जली कि आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी एक बार आखिरी दाव खेल जाए और राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत कर पाए। ये जो आखिरी दाव खेल है, जो एक थके हुए पॉलिटिशियन है इस समय जिनकी पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है, जिन्होंने पहले 5 साल के सुशासन के बाद कोई अच्छा काम करके दिखाया नहीं, बिहार की जनता त्रस्त है, 55% बिहार का लेबर फोर्स बिहार छोड़ छोड़ के आज भी जाता है और कोविड के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया, अच्छी भली जमीन और अच्छी भली इरीगेशन होने के बावजूद सबसे कम फसल वहां पर है, ये सारी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देंगे आप केवल जातिगत राजनीति करके कभी मोदी जी का नाम कभी बीजेपी का नाम लेके टोपियां बदलेंगे, ये लोग इससे नहीं भ्रम में आने वाले। इसलिए ये केवल एक कारण जो बना रहे हैं, केवल आपको निकलने का कारण चाहिए था। अच्छा कि आप जल्दी निकले क्योंकि आने वाले 3 साल में
आपका और आरजेडी का क्या हश्र होगा ये भी देखेंगे लोग, बीजेपी अपना भूमिका कैसे विरोध में अपनाती ये भी लोग देखेंगे। तो एक अच्छा हुआ जो समय के पहले उन्होंने अपने रंग दिखा दिए, और मैं मानता हूं कि अब आगे जाकर इनके सामने ममता जी हैं, इनके सामने राहुल गांधी है, इनको यूपीए सो कॉल्ड जगह देगी क्या, जो जगह ढूंढ रहे हैं इसके ऊपर इनको विचार करना चाहिए। जो इज्जत और मान बीजेपी ने दिया था इनको, जिसके कारण ही यूपीए से बाहर आते, उनको आज वो अपोजिशन स्थान देगी क्या, ये आने वाला समय में बताएगा। ठीक है, माधव आनंद, दो बड़ी बातें कही रतन शारदा जी ने। पहला, उन्होंने कहा कि आपने प्रधानमंत्री का अपमान एक बार नहीं कई बार किया, आप इस गठबंधन में से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। और तीसरी बात उन्होंने कही है, तो 2024 के लिए नेशनल लेवल पर जो नीतीश कुमार की एम्बिशन है उसके चलते ये डिसीजन लिया आपने, स्वार्थी हैं आप। देखिए जिन बातों का और जिन शब्दों का इन्होंने जिक्र किया कि थके हुए हारे हुए, ये इनकी मानसिकता को दिखाता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में टॉलेस्ट लीडर हैं, और यही कारण है कि विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं एक स्वर से सर्वसम्मति से उनको नेता चुनने का काम किया है। सबने कहा कि उनके नेतृत्व में हम लोग काम करना चाहते हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को और जनता दल यूनाइटेड को इन लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जहां तक अपमान करने की बात आपने कही, आप ही बताइए क्या गठबंधन में ऐसा होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आवे और ये कहे कि नहीं कि जेडीयू के उम्मीदवार को मैं हराने का काम करूंगा और बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन देने का काम करूंगा और बीजेपी उस पर जैसे चुप्पी साधी रहती है। क्या ऐसा कभी गठबंधन आपने देखा है? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी का जनाधार हमेशा से बढ़ता आया है, कभी घटा नहीं है। उनका जनाधार में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन एक साजिश की गई, साजिश के तहत जैसे चिराग मॉडल पेश किया गया, और वही साजिश का दूसरा जो चरण स्टार्ट हुआ आरसीपी मॉडल, उसी का पर्दाफाश हम लोगों ने किया। हम लोग कोई काम बिना सबूत के नहीं करते हैं, हम लोग के पास साक्ष्य थे, साक्ष्य के आधार पर आदरणीय सभी बातों का उन्होंने दो मॉडल का जिक्र किया है। इस वक्त मंगल पांडे बोल रहे हैं, जनता ने हम सब लोगों को सेवा करने का अवसर दिया था, उसी लालू राज के खिलाफ बिहार की जनता ने 2020 में भी मैंडेट दिया था, और फिर उसी के साथ मिलना, यह जनता के जनादेश के साथ उचित नहीं है। आगे क्या होगा, भाजपा कहां जाएगी? भाजपा को मैंडेट मिला था, सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, आप लोगों ने उस वादा को पूर्ति करते हुए नीतीश कुमार को सीएम बनाया, लेकिन उन्होंने तो वो सारे वादे सारे रिश्ते सारे खत्म कर दिया। भाजपा क्या करे? नहीं, मैंने कहा जो निर्णय उन्होंने किया है यह जनता के जनादेश के साथ उचित नहीं है। जनता का जनादेश लालू राज के खिलाफ था, एनडीए के लिए था, बिहार की जनता ने जो वोट किया था वह वोट। रतन शारदा जी, ये रिएक्शन अपने दर्शकों को सुनाने से पहले दो बातें कही थी माधव आनंद ने। उन्होंने कहा पहले चिराग मॉडल लेकर आए, अब आरसीपी मॉडल लेकर आ गए। हालांकि आपको मंच दूंगी मैं, तीन तस्वीरें अपने दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले कैसे 2013 में, आपको याद होगा जब ये महागठबंधन बना, बीजेपी से ब्रेकअप कर लिया 2013 में, बीजेपी से ब्रेकअप हुआ नीतीश कुमार का। 2017 में ये गठबंधन टूट गया, बीजेपी के साथ हो गए। अब 2022 में बीजेपी से अलग होकर एक बार फिर से आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। तो ये तीन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि इसे क्या कहा जाए, इसे पलटी पॉलिटिक्स कहा जाए, इसे पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कहा जाए, इसे इस पॉलिटिक्स को क्या नाम दिया जाए, ये सवाल है। लेकिन रतन शारदा जी, जो सवाल माधव आनंद पूछ रहे थे कि गठबंधन का धर्म नहीं निभाना, पहले चिराग मॉडल और अब आरसीपी मॉडल, जेडीयू कह रही उसके पास बाकायदा साक्ष्य है, प्रूफ है, एविडेंस है। बिल्कुल साक्ष्य होंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा चिराग पासवान आज का किस्सा तो नहीं है ना, चिराग पासवान तो 2020 के इलेक्शन का किस्सा है। तो जब भी किस्सा हो गया था, जब नीतीश कुमार जी की साइज घटके केवल 44 या 40 के आसपास एमएलए रह गए थे, उस समय उन्होंने क्या स्वीकार किया नेता बनना, उस समय क्यों उन्होंने सरकार स्वीकार की, कह देते कि मैं इस प्रकार अपमान नहीं सहूंगा और मैं ये सरकार नहीं बनाना चाहता हूं, अगर उनमें हिम्मत होती हो करते, क्योंकि उनके पास केवल 40 के आसपास के एमएलए थे। दूसरी बात, इनका इस प्रकार से पलटवार करना या पलट के निकल जाना, छोड़ देना बीच में, कोई नई बात नहीं है। इनकी रिलायबिलिटी इतनी कम है, जिस जॉर्ज फर्नांडिस ने इनको बिहार के अंदर स्थान दिलाया, पार्टी का प्रमुख बनाया और इनके लिए बिहार का रास्ता खोला, उनको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था।
उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला था, बाद में किसी प्रकार से राज्यसभा का टिकट मिला, लेकिन उनको कभी भी इन्होंने दोबारा राजनीति में ऊपर आने नहीं दिया, ये इनका रिकॉर्ड है। और जहां तक इनका सवाल है कि अद्वितीय नेता है, तो अद्वितीय नेता 40 सीट लेके सीएम नहीं बनता, और ये मेरी शर्त है कि आने वाले साल के अंदर तेजस्वी यादव इनको ग्रहण लगा देगा, ये पक्की बात है। तेजस्वी यादव के पास सीटें अधिक है, तेजस्वी यादव तरुण है, तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षाएं हैं, और उस समय आप कैसे अपनी पार्टी को टूटने से रोकेंगे, विचार जेडीयू को करना चाहिए। ठीक है, बीजेपी का समय है, बीजेपी को एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, बीजेपी आने वाले समय में अपना रास्ता खोल सकती है, रास्ता बना सकती है। तो बहाने आपके, क्योंकि आरसीपी मॉडल अब बना कब बना, 2 साल आप चलाते हैं, और उसको आप याद रखिए, चिराग को बीजेपी ने साइड ट्रैक कर दिया था, आपने नहीं किया, आप तो सरकार में आके बैठ गए थे। तो कृपया अपनी अपनी जो पॉपुलैरिटी, उस पर जरा ध्यान दीजिए। बीजेपी ये तो नाचने जाने आगे नेड़ा किसी आने के लिए खम्मा नचे वाली बात और कुछ नहीं है। ठीक है, जल्दी से माधव आनंद 30 सेकंड सर आपके पास, उसके बाद दूसरे मेहमान है, मैं उनका भी एक कॉमेंट लूंगी, जल्दी जल्दी प्लीज। एक सवाल आप सवाल सुन लीजिएगा, लेकिन याद दिला देती हूँ, सवाल ये है कि जेडीयू की रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता एज एन एलाय, एज ए सहयोगी दल लो है, ये आरोप लगाया भी रतन शारदा जी ने। रतन शारदा जी को जो मन करे वो आरोप लगा दें, उसे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिलायबल हैं और रिलायबल रहेंगे। और जहां तक बात है, गठबंधन जब टूटता है तो उसके एक कारण नहीं होते हैं, कई कारण होते हैं। बिहार सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, हम लोगों ने कई बार मांग की कि बिहार को के बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है? डबल इंजन की सरकार थी क्या, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जितने वादे करके आए थे क्या नहीं दिया जा सकता था? तो एक फैक्टर अदिति जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार है, आप भी जानती है कि बिहार के साथ किस तरह सौतेला व्यवहार किया गया, किस तरह जो है सो बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया गया। हम लोगों ने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सर्वदलीय जो है प्रतिनिधि मंडल जिसमें बीजेपी के भी सदस्य थे, एक स्वर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग की कि जातिगत जनगणना पूरे देश में करानी चाहिए। माधव आनंद, जो आरोप आप पर लग रहे हैं, आपकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। एक मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं सब गेस्ट का एक एक कॉमेंट ले लेती हूँ, जल्दी से ज्ञान रंजन प्लीज सर एक एक कॉमेंट ले लेती हूँ। माधव आनंद जी, आप ही आज सवाल हो गया, या तो आपसे सवाल है, बीजेपी से सवाल है, बाकी सब तो इस मोमेंट को इंजॉय कर रहे हैं, आपके जो नए एलाइज हैं वो तो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक कॉमेंट मैं ले लेती हूँ सबका, फिर उसके बाद आप बात पूरी कीजिएगा। ज्ञान रंजन जी, आपकी आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है। जी जी, अब आवाज आ रही है सर। देखिए अदिति जी, मैं बताना चाहता हूँ साफ शब्दों में कि 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, तब से इनके चारों घटक दल में आपसी खींचातानी, बड़े भाई छोटे भाई की पॉलिटिक्स हो रही थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज की मिस रहा था, वो बिहार और बिहार के जनता और बिहार के विकास। पूरे 2 साल आपने देखा होगा आपस में सिर्फ और सिर्फ बड़बोलापन, बिहार के तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया, डेढ़ दशक या कुछ भी ले लीजिए। आपको यहाँ रोकूंगी ज्ञान रंजन जी, थोड़ी देर पहले मेरे से योगी अमित प्रकाश बता रहे थे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहुंचेंगे राजभवन, समर्थन पत्र सौंपेंगे। अमित प्रकाश जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को अपडेट। कुमार और तेजस्वी, अदिति अदिति, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का काफिला इस वक्त राजभवन में दाखिल हो रहा है। हम उस राजभवन के गेट तक पहुंच रहे हैं, और साथ साथ हम आपको ये बता दें, दोनों ही नेता एक ही गाड़ी में सवार हैं, और हम चल रहे हैं उस कॉरिडोर में जो सीधा आपसे 10 सेकंड बाद ये पूरा काफिला दाखिल हो जाएगा राजभवन के भीतर। इस वक्त ये पूरा काफिला और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही गाड़ी में सवार हैं, ये गाड़ी इस वक्त दाखिल हो रही है राजभवन के अंदर, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त लगातार जो बात हो रही थी मुख्यमंत्री सचिवालय की गाड़ियां, ये पूरा काफिला इस वक्त जीतन राम मांझी को भी आप देख पा रहे हैं, जीतन राम मांझी की गाड़ी भी दाखिल हो रही है, और ये पूरा काफिला इस वक्त पहुंच रहा है राजभवन में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन के ठीक बाहर से, जहां ये तमाम गाड़ियां इस वक्त दाखिल हो रही हैं। तो ये पूरा काफिला इस वक्त पहुंच गया है राजभवन के भीतर, हम ये तस्वीरें आपको
राजभवन के ठीक बाहर से दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें राजभवन पहुंच गए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, मेरे सहयोगी अमित प्रकाश आपको दिखाई दे रहे हैं, आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, समर्थन पत्र के साथ राजभवन पहुंच गए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। थोड़ी देर पहले अपना इस्तीफा सौंप दिया था नीतीश कुमार ने राज्यपाल को, अब गवर्नर से मिलेंगे समर्थन पत्र के साथ और नई सरकार बनाने का दावा उनके द्वारा पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आपको लगातार जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। अमित प्रकाश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपको हम दिखा रहे हैं राजभवन का गेट नंबर वन, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुख्य बात, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही कार में सवार, एक ही गाड़ी में सवार, एक अणे मार्ग से पूरा काफिला निकला। लेकिन आज की सबसे अहम तस्वीर ये कि एक ही कार में सवार थे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, एक ही गाड़ी में सवार होके राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात के लिए। और अब निगाहें इस बात पर कि क्या आज पूरे दिन की डेवलपमेंट के बाद, निगाह इस बात पर कि क्या इन तमाम घटनाक्रम के बाद जिस गेट से वो बाहर आएंगे उसके बाद क्या वो मीडिया से बातचीत करेंगे, क्या कोई आधिकारिक वक्तव्य जारी होगा, एक ज्वाइंट वक्तव्य जारी होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, दोनों लीडर्स एक साथ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि एक ही गाड़ी में सवार होकर, नीतीश कुमार की गाड़ी में सवार होकर दोनों ही लीडर्स तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ दाखिल हुए। जीतन राम मांझी की कार भी उनके पीछे थी और पूरा कैवलकेड इस वक्त पहुंच चुका है राजभवन के भीतर, राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के लिए। और तय वक्त था तकरीबन 5 बजे का, उससे थोड़ा सा डिले। और अपने दर्शकों की अपडेट हम बार बार दे रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। ज्ञान रंजन जी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लें और उसके बाद राजू तिवारी जी, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, बिहार में जो इस गठबंधन जो बनने जा रही है कुछ ही दिनों में, आप जैसे बता रहे कि नीतीश कुमार जी सपोर्ट लेके गए हैं गवर्नर के पास, मैं बताता हूं कि कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत सिर्फ बिहार में जो विकास डिरेल हो गई थी, सेंटिंग लाइन में चली गई थी, यार्ड में चली गई थी, सिर्फ और सिर्फ विकास पे काम होगा, विकास विकास विकास। और इसके अलावा सरकार में आपके कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला सिंपल सा है, अभी 160 हम एक विचारधारा के साथ इस महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और हमने इस विचारधारा के लेके किया, जो भी इस तरह तो सामने आएगा, कुछ मिनटों की बात है, आधे घंटे से एक घंटे में सभी को पता चल जाएगा कि क्या है। हम तो यहाँ तक तैयार थे कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, अगर आइंदा कुछ मिलता है तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस विचारधारा से सिर्फ और सिर्फ बिहार के तरक्की और विकास के एजेंडे पे इस महागठबंधन को साथ दे रही है। बाकी जो भी आएगी आपके पास आधे घंटे, अच्छा विकास के लिए साथ आए। मिथिलेश तिवारी, आप तक आवाज पहुंच पा रही हो? आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं विकास के लिए साथ आए हैं, एक इनकी विचारधारा है और आपने जनता को ठगा है। देखिए क्या है, जब थोड़ी सी बारिश होती है ना तो बहुत सारे मेढक बाहर निकल करके और टर टर करने लगते हैं और उनको लगता है कि ये सावन का महीना आ गया, और इन लोगों को पता ही नहीं है कि कल के बाद बिहार की जनता किस प्रकार से इन लोगों का स्वागत करने वाली है। बिहार की जनता को लगातार ठगा गया है, जब जब नीतीश कुमार जी ने पलटी मारी है तो उन्होंने बिहार की जनता का विश्वास खोया है और हमेशा कुर्सी के लिए उन्होंने पलटी मारा है। और हम लोगों को लगता नहीं था कि इस प्रकार से भी ये करेंगे, चूंकि एक बार ये छोड़ के आए थे और जिन मुद्दों के कारण छोड़ के आए थे, अब पता नहीं, अब तो नीतीश कुमार जी ही बताएंगे कि वो मुद्दे खत्म हो गए क्या। और आज जिन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, हर पार्टी से कोई ना कोई कार्यकर्ता, कोई ना कोई नेता पार्टी से बाहर जाता है, ये कोई मुद्दा है क्या किसी गठबंधन को तोड़ने का? और भारतीय जनता पार्टी ने अपने को पीछे रखकर बिहार के विकास के हित में नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी चाहती और भारतीय जनता पार्टी के मन में किसी प्रकार का कोई बैर रहता या कोई ठगने का कोई या धोखा देने का कोई विचार रहता तो भारतीय जनता पार्टी 2020 में ही अपना मुख्यमंत्री बनाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने चाल चरित्र चेहरे को दिखाया है और यही कारण था कि जब हमारे केंद्रीय नेताओं ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी को कहा था कि सीटें चाहे जिसकी भी कम आए या ज्यादा आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना हमेशा वादा निभाया और नीतीश कुमार जी ने अपना हमेशा वादा तोड़ा है। अब बिहार की जनता सबक सिखाएगी और ये जो गठबंधन,
ठीक है माधव आनंद, ये इंटरेस्टिंग है, आप कह रहे हैं इन्होंने जनता को ठगा, ये कह रहे हैं आपने जनता को ठगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को तो हमने सीएम बनाया, हमने इतना सम्मान दिया, वादा खिलाफी तो आपने की है। देखिए मिथिलेश तिवारी जी जिन बातों का जिक्र किए, बिहार की जनता दिल से और दोनों हाथ से हम लोगों को गले भी लगाएगी और आशीर्वाद भी देने का काम करेगी। मिथिलेश तिवारी जी को भी पता है कि उनकी पार्टी की संख्या बल अगर आई तो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। ये तो षड्यंत्र था आपका मिथिलेश जी, कि षड्यंत्र के तहत जो है हम लोगों को फंसाने का आपने काम किया और हम लोगों की सीटें कम हो गई। आदरणीय यार आप तो बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए मिथिलेश जी। देखिए आपका बड़ा सम्मान करता हूं, अदिति जी ने मुझसे पूछा है, आपके बीच में तो मैंने कुछ बोला नहीं, तो किस तरह आपने बिहार के लोगों के बिहार की जनभावनाओं का जैसे ध्यान नहीं रखा। हम लोग मांग करते रह गए कि बिहार को जैसे विशेष राज्य का दर्जा मिले और आप लोग भी समर्थन किया करते थे, बिहार की जो बीजेपी की यूनिट जो है वो भी सपोर्ट किया करती थी, जातिगत जनगणना में आप लोग भी सपोर्ट किए थे, आपको भी याद होगा, स्मरण है ना, स्मरण है ना आपको, नहीं स्मरण है ना। मेरा सवाल है आप लोगों की राजनीति आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है सर, मैं ये जानना चाहती हूँ एक दर्शक जो इस समय आपको गांव में बैठा देख रहा होगा वो ये सोच रहा होगा कि ये शुभ घड़ी, ये कोई शुभ मुहूर्त था कि आपको इंतजार करना पड़ा, इतना लंबा इंतजार आपने करवाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने अच्छा सवाल पूछा। हर वक्त हर चीज का एक टाइमिंग ही होता है अदिति जी, और टाइमिंग देख के ही निर्णय लिया जाता है, और हम लोग ने भी टाइमिंग देखा, जब देखा कि नहीं सारे साक्ष्य अपने पास आ गए, और जिस तरह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पटना में जाके कहते हैं कि कोई भी क्षेत्रीय दल भारत में रहेगा ही नहीं, अरे आप क्या सिंगल पार्टी सिस्टम बनाना चाहते हो भारत। और नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले हैं, मेरे सहयोगी अमित प्रकाश आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे थे, सरकार बनाने का दावा पेश किया गया, इंतजार किया जा रहा था तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार पहुंचेंगे, नीतीश कुमार द्वारा राज्यपाल को समर्थन पत्र जो है वो सौंप दिया गया है और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। आपको ये बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ा अपडेट बिहार में जो सियासी उठापटक चल रही है उसी में एक नया अपडेट आपके लिए, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके लिए यही है, नीतीश कुमार मिले हैं, तेजस्वी यादव उनके साथ थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की है और समर्थन पत्र सौंपा है, समर्थन पत्र सौंपा गया है नीतीश कुमार द्वारा और सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। माधव आनंद जी, जी जी आपने इतना लंबा इंतजार क्यों किया, आप ये कह रहे हैं कि ये टाइमिंग थी। हाँ हाँ एक टाइम, देखिए कोई भी जो निर्णय लिया जाता है तो टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और हम लोगों ने सब कुछ देखा, तहकीकात की, जांच की, पड़ताल की, और जब तब लगा कि नहीं कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो अगर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पटना में जाकर ये घोषणा करते हो कि सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी बीजेपी ही एक रहेगी, इसका अर्थ है भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर सिंगल पार्टी सिस्टम लाना चाह रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आपका रहे कोई क्षेत्रीय दल सब खत्म हो जाएंगे, बीजेपी बाकी रहेगी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपको इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा भाई, इतना आपको इतना ह्यूमिलिएशन, कभी आप थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे पासवान मॉडल, आरसीपी मॉडल, ये सारे मॉडल आप गिना रहे थे, आपने इंतजार क्यों किया, उस इंतजार का इतना आपने इतना लंबा वक्त क्यों लिया, सवाल का जवाब मैं लूंगी। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश इस वक्त हमारे साथ है, अमित प्रकाश मिल चुके हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, राज्यपाल से समर्थन पत्र सौंपा जा चुका है और सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है, इस मीटिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट दर्शकों को बताइए, क्या कुछ समर्थन पत्र में कितने विधायकों के समर्थन की बात है और अब कब यह एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शपथ ग्रहण होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, जो तमाम दिग्गज लीडर्स हैं जनता दल यूनाइटेड के, राष्ट्रीय जनता दल के, वो इस वक्त राजभवन के भीतर है। मैं सबसे पहले आपको ये सीधी तस्वीरें दिखाऊं, हमने एंट्री गेट से आपको तस्वीरें दिखाई जहां से वो पूरा काफिला अंदर गया था, और ये गेट है गेट संख्या 5, द्वार संख्या 5, जहां से वो पूरा काफिला अभी बाहर आएगा। और तमाम लीडर्स जो इस वक्त तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, विजय चौधरी, ये तमाम लीडर्स इस वक्त
अंदर है और हम अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, कल शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। तो हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब काफिला पहुंचा नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव उनके साथ थे। हमने आपको जी न्यूज पर यह भी बड़ा अपडेट दिया कि राज्यपाल के साथ उनकी मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में नीतीश कुमार भी है और साथ ही इस मीटिंग में तेजस्वी यादव भी है। और एक और अपडेट आपके लिए ये है कि जो हम सवाल पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि शपथ ग्रहण कब होगा, तो कल शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। तो पूरा अपडेट आपको एक बार फिर से बता देते हैं, इस वक्त मीटिंग चल रही है राजभवन में, राज्यपाल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस मीटिंग में मौजूद। ये मीटिंग हो रही है क्योंकि समर्थन पत्र लेकर पहुंचे हैं वहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। समर्थन पत्र जो है वो सौंप दिया गया है गवर्नर को। और एक और अपडेट आपके लिए ये है, कल शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। सोर्सेस के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जी न्यूज के माध्यम से। अमित प्रकाश, जी बिल्कुल। देखिए इस वक्त मैं तस्वीर ज्यादा अदिति, जो आखिरी बार जब मैं कनेक्ट हुआ था तो मैं बता रहा था कि जिस गेट से वो पूरा काफिला अंदर गया था, अब बारी काफिले के बाहर आने की है। 4 से 5 मिनट का वक्त हम ये मान के चल सकते हैं, अगले चार से पांच मिनट में ये तमाम नेता जो इस वक्त राजभवन में अंदर राज्यपाल से मुलाकात चल रही है, समर्थन का पत्र दिया जा चुका है और अब औपचारिक घोषणा इस बात की कि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कल होगा, संभवतः इस बात की घोषणा भी आज शायद शाम तक हो जाए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से और आरजेडी के ज्वाइंट जो वक्तव्य है उसमें। लेकिन एक बात, तमाम चीज़ें तय हो चुकी हैं, ये भी तय हो चुका है कि जो पोर्टफोलियोज हैं, जो मंत्रालय हैं, कौन सा विभाग किसको दिया जाना है, उसके नाम भी तय किए जा ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ये तय किया जाना है कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। मेरे दो सवाल है आपसे, एक तो जो समर्थन पत्र है उसमें कितने विधायकों के समर्थन की बात कही गई है, और दूसरा इन तीनों ही पार्टियों के बीच, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच फॉर्मूला क्या तय हुआ है? देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, रवि जहां पर मौजूद थे वहां उन्होंने कांग्रेस के उन लीडर्स से भी बात की, कांग्रेस के उन विधायकों से भी बात की और उनके चेहरे की खुशी ये नया जो गठबंधन है, इस गठबंधन में आरजेडी के सारे विधायकों का सपोर्ट और उसके साथ साथ कांग्रेस को भी जाने की बात लगातार आ रही है और उस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन मैं कहता हूं किसी भी तरह का कोई इस वक्त हम कोई स्पेकुलेशन ना करें, शायद ये बात भी तय होगी है कि तकरीबन 6:30 बजे के आसपास एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, एक ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में ये बातें। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं जिन पर बार बार बात की जा रही है। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अवधेश कुमार जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, जिस तरह बीजेपी का साथ छोड़ दिया, एनडीए से निकल आया जेडीयू और महागठबंधन का दामन थामा है, इसमें किसे फायदा और किसे नुकसान है? बीजेपी कह रही है हमारे लिए तो, बीजेपी की तरफ से कम ये पोस्टरिंग जरूर है कि हमें नुकसान नहीं हुआ है, हमारे लिए तो राहत की बात है। लेकिन आपसे अगर इस पूरी पॉलिटिकल पिक्चर को समझना चाहूं तो किसे नफा और किसे नुकसान? देखिए नफा नुकसान अगर तात्कालिक दृष्टि से हम देखते हैं तो तात्कालिक दृष्टि से तो जाहिर है कि आरजेडी और जेडीयू इस समय प्रबल दिख रही है, लेकिन क्या यही तात्कालिकता भविष्य में भी कायम रहेगी? क्योंकि क्या बिहार की जनता इस बात को सहन करेगी अंतिम समय तक कि क्या नीतीश कुमार को हमने जनादेश किस नाते दिया था, वो किस तरह काम कर रहे हैं? तो ये भविष्य में देखना पड़ेगा। इस समय तात्कालिक रूप से हम जरूर उत्साहित हो जाते हैं कि अरे आरजेडी के पास एम का समीकरण है, वाई का समीकरण है, इनका दो समीकरण और मिला दिया जाए तो ये करीब करीब 55-60% वोट हो जाता है और 2024 में शायद बीजेपी खत्म हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यही मायावती और अखिलेश यादव के साथ यही समीकरण बनाने की कोशिश हुई थी। आदिति जी देखना यह पड़ेगा, अगर नीतीश कुमार को अलग होना था तो क्या वो कोई ऐसा मुद्दा उठाकर लाए हैं जिससे जनता के अंदर एक आक्रोश पैदा हो जाए बीजेपी के खिलाफ कि देखो बीजेपी ने वाकई धोखा किया था? तो बिना बड़े मुद्दे उठाए, बिना जनता को इसको सूचित किए हुए आप अपनी ओर से अटकलों वाले कारण बनाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, उसको आसानी से जनता स्वीकार नहीं करती है। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने एक
राजनीति का सूत्र विकसित किया है और एक राजनीति में कीर्तिमान बनाए हैं, वो आपके सवाल से अलग है। सूत्र उन्होंने बिहार में यह विकसित किया है कि बिहार में मैं तो अस्थाई सत्ता का नेतृत्व हूं, लेकिन कोई अस्थाई विपक्ष और अस्थाई सत्ता पक्ष नहीं है, इसलिए थोड़े दिन बीजेपी के साथ रहो, फिर जो दूसरा विपक्ष में वो फिर सत्ता में आ जाए, फिर उसको छोड़ो, फिर दूसरा सत्ता में आ जाए। तो यह एक चक्र चल रहा है, अगला चक्र क्या होगा यह देखना पड़ेगा। दूसरा कीर्तिमान जो उन्होंने बनाया है भारत की राजनीति में, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला है कि एक व्यक्ति 17 वर्षों से गठबंधन बदलते हुए भी मुख्यमंत्री बन रहा है, बचा हुआ है। गठबंधन बदल जाने पर कितने मुख्यमंत्री देश से हट गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का एक कीर्तिमान है कि वो गठबंधन बदलते हुए भी मुख्यमंत्री बने रहते हैं। लेकिन क्या वही नीतीश कुमार जिनको 2005 में 2005 फरवरी 2005 अक्टूबर 2009 लोकसभा उनके नेतृत्व में बिहार में लोकसभा चुनाव था, 2010 में जनता ने दिल खोल कर जिसको सपोर्ट किया था, क्या आज वही समर्थन जनता के पास है? मैं जो अंतिम बात कह रहा हूं, माधव जी ने जितनी बातें कही हैं, आप हम सब लोग पत्रकार हैं, क्या उसमें से एक भी गले उतरती है जो साबित कर दे कि ऐसी आपात स्थिति पैदा हो गई थी जिसमें आज सरकार भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया जाए? तो जब व्यक्ति करता कुछ और है, अंदर से कुछ और होता है, तो असुरक्षा बोध में जीता है और उस असुरक्षा बोध में ऐसे ऐसे उतावले में कदम उठाता है कि उसके लिए समस्याएं खड़ी हो जाती है। नीतीश कुमार का आज का कदम केवल उसके दो कारण है, असुरक्षा बोध और अहमन्यवादी आइडियोलॉजी, जिसको कहते हैं कि एक ईगो सेंट्रिक आइडियोलॉजी जो एक समाजवादियों में कुछ लोगों में होता है, इस दो के वो शिकार है, अन्यथा कोई कारण मुझे नजर नहीं आता है जिससे आज इस सरकार को। अभी जो अवधेश जी ने कहा उसमें जो सवाल अपने दर्शकों को, एक और बड़ा अपडेट हम दे देते हैं माधव आनंद, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी। लालू यादव की बेटी द्वारा ट्वीट किया गया है, राज्य लक्ष्मी यादव द्वारा ये ट्वीट किया गया है, ट्वीट आपके स्क्रीन पर। राजलक्ष्मी यादव ने ट्वीट कर तंज कसा है, उन्होंने ये कहा है कि फर्जी चाणक्यगिरी बिहार के बाहर चलाइएगा। तो लिखा है शंखनाद पहले दी पंख अब देंगे उड़ान, चाणक्य मतलब बिहार, बिहारी मतलब चाणक्य, फर्जी चाणक्यगिरी बिहार के बाहर चलाइएगा, बोले बिहार। और हमारे साथ इस वक्त तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव जी, आज आपकी जो फैमिली है उसका जोश जो है काफी हाई है, एक अलायंस था वो, पहले आपके साथ अलायंस था, फिर वो अलायंस टूटा। पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस समय जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है बिहार की सियासत में, उन पर आप क्या कहेंगे? हेलो, सबसे पहले तो आप लोग बड़ा इंतजार करवाते हैं, और दूसरी बात कि आज जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके लिए बहुत बहुत बिहार की तमाम जनता युवाओं को मैं तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं, और उनका आशीर्वाद जो मिला है आज जो समर्थन मिला है उससे बेहद खुशी। और बिहार में जो नया सरकार महागठबंधन की सरकार जो अभी बनी है, तो उसमें तमाम जनता का, उसमें और पूरी बिहार की तमाम जनता का मैं शुक्रिया अदा करने का काम करता हूं कि उनके सपने अब पूरे होने जा रहे हैं। और हेलो जी, जी मैं सुन पा रही हूँ, आप बात पूरी करें। हाँ, और उसके बाद अभी मैंने गया था मुख्यमंत्री आवास, तो सब लोग जा रहे थे, सब लोग राजभवन गए, सब लोग अभी वहाँ जी जी उधर से आएंगे, फिर देखिए अब तो पूरे बिहार में चारों तरफ से अब गठबंधन जो है पूरे तरीके से छाया है, जिस तरीके से तेजस्वी जी ने अभी कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम होगा, अब वो समय आ गया है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा, नौजवानों को। जी जी, तेज प्रताप यादव जी, इस वक्त हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे इस सरकार में आप अपने लिए क्या रोल देखते हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल इन चीजों पर हमारी कोई डिस्कस नहीं होगी कि क्या रोल होगा या नहीं होगा, जो भी रोल होगा, जो भी चीज मिलेगा उस किया जाएगा, अपनाया जाएगा, उसमें काम किया जाएगा, और क्या। अच्छा, रोल आपका डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन आपकी कोई इच्छा तो होगी, बिहार में किसी क्षेत्र में आप काम करना चाह रहे होंगे, आपकी इच्छा क्या है? अब इच्छा क्या, अब हम आपको कैसे बताएं खुल करके, जब तक वो चीज डिसाइड नहीं हो जाता है क्या होगा, अभी हम कैसे बता सकते हैं आपको।
नहीं, आपकी इच्छा तो आपकी है ना, आप क्या करना चाहते हैं बिहार की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए? विकास के लिए तो बहुत सारा है डिपार्टमेंट संभालने के लिए, अगर जो भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जो भी महागठबंधन के द्वारा दिया जाएगा उसको किया जाएगा काम। अच्छा तेज प्रताप यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हम देने का काम करते हैं। जी जी तेज प्रताप यादव जी, इस वक्त जो दर्शक आपको जी न्यूज पर देख रहे हैं और जी न्यूज 150 प्लस कंट्रीज में देखा जाता है विदेशों में भी, वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपके और जेडीयू के बीच जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो अंडरस्टैंडिंग क्या है। दूसरा आज दिन में ये भी खबरें आए कि तेजस्वी यादव जो है वो होम मिनिस्ट्री पर अड़े हुए हैं, उसे लेकर आप थोड़ा सा तस्वीर क्लियर करना चाहेंगे? देखिए ऐसी कोई बात नहीं हुई है, नहीं नहीं गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए, लाखों करोड़ों नौजवानों के विकास के लिए हम लोगों ने इस चीज को अपनाने का काम किया। जिस तरीके से तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, अब वो सपना पूरा करने का समय आ गया है कि हम लोग काम करें बिहार में नई सरकार के साथ। लेकिन इसे लेकर तो आपको क्लैरिटी होगी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होंगे? अब कौन डिप्टी सीएम होंगे, कौन क्या होंगे, वो तो बाद की बात है ना, पहले तो अभी उधर से आते जाए। अच्छा बीजेपी ये कह रही है कि जेडीयू ने जनता को धोखा दिया है, आप सभी जनता की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सुनिए हम बताते हैं आपको जेडीयू क्यों धोखा देगी। हम ये कहना चाहेंगे कि भाजपा आरएसएस के जो लोग हैं उन्होंने नौजवानों का, गरीब गुरबा का मुंह से निवाला छीनने का काम किया, मुंह से निवाला छीनने का काम किया, और जो निर्दोष किसान है वो मजबूर हुआ फांसी लगाने पे, वो किसके कारण मजबूर हुआ हम ये जानना चाहते हैं। भाजपाइयों से हम ये जानना चाहेंगे, आरएसएसियों से, संघ के लोगों से, कि मुंह से निवाला किस गरीब आदमी का इन लोगों ने छीनने का काम किया। भले नौजवान जो आज बिहार के जो नौजवान है बाहर जाकर के पलायन करने का काम कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार केंद्र है, भाजपा है इसका जिम्मेवार। ठीक है, आप कह रहे कि जो मौजूदा हालात है उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है, लेकिन जो बिहार की सियासत है, बीजेपी तो आपको बार बार ये भी याद दिला रही है कि पलटने की सियासत करते हैं नीतीश कुमार, बीजेपी के ही शब्द हैं। अब देखिए बीजेपी क्या कह रही है क्या नहीं कर रही है, बीजेपी अपने गिरवान में झांकने का काम करके किस तरीके से एक बीजेपी का कोई नेता है वो महिला का घर तोड़वा देता है, महिला से छड़प करता है, गंदा गंदा गाली देता है, तो बीजेपी का छवि तो उभर के सामने आ ही रहा, पूरी बिहार क्या, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि बीजेपी क्या काम किया है, 400 हत्या करवा रहा है भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी हत्या करवा रहे हैं, गोधरा कांड भूल गए क्या नरेंद्र मोदी जी? लेकिन जो बिहार की सियासत को लेकर सवाल है, गोधरा कांड जो नरेंद्र मोदी किए थे उस पर बात कीजिए, गोधरा कांड में क्या हुआ। मैं अभी बिहार की सियासत पे बात कर रही थी आपसे, और बिहार में भी दंगों का इतिहास है तेज प्रताप यादव जी, आज उस मुद्दे पर मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि दंगों का इतिहास सबका है और उस पर फिर सबकी बात होगी। नहीं नहीं तेज प्रताप यादव जी, आज का जो मुद्दा है उस पर आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ जो सवाल उठ रहा है और एक्सपर्ट्स भी उठा रहे हैं। सर एक सेकंड, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर, पहले सुनते लीजिए। हाँ सुनाइए सर, मैं सुन रही हूँ आपको। अपमान मत कीजिए ना, तो रखिए फोन, आपका जैसा पहुंच गया यहाँ आपसे जाते हैं, रखिए। सर दम नहीं होना चाहिए, अहंकार अच्छी चीज नहीं होती तेज प्रताप यादव जी, सवाल पूछना हमारा दायित्व है, आप मुद्दे से अगर भटकाएंगे तो फिर तो सबके दंगों के इतिहास की बात करनी पड़ेगी सर, एक तरफा आरोप थोड़ी लगाए जाएंगे किसी प्रोग्राम में। अगर ऑब्जेक्टिवली किसी खबर को दिखाना है तो फिर तो पूरी तस्वीर की बात करनी होगी सर, भाषण के लिए थोड़ी मंच है। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में आने के लिए और कुछ सवालों के जवाब देने के लिए, हालांकि आपको जो सवाल अच्छे नहीं लगे आपने उसके बाद आप चले गए, उन सवालों के जवाब आपने दिए नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने राज्यपाल को पत्र सौंपा है, 164 विधायकों के समर्थन का ये पत्र है, 164 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा गया है। आरजेडी के 79 है, जेडीयू के 45 विधायकों का समर्थन है इसमें, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 और साथ ही जीतन राम मांझी के 4 विधायक इस जिस समर्थन पत्र की बात की जा रही है, और एक निर्दलीय विधायक के समर्थन की बात भी इस समर्थन पत्र में कही गई है। तो कुल मिलाकर 164 विधायकों का समर्थन पत्र। इस गठबंधन को ही जनादेश था, बीच में वो खंडित हुआ था, लेकिन अब वो
जो जनता के बीच में से चुनाव जीते थे वही लोगों की सरकार बन रही है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। दूसरा, अब कल तक तो भाजपा के लिए ये शब्द थे नहीं, आज अब आप लोग उनकी जेडीयू से खटपट हो गई तब एक से एक बात कहेंगे, वो उसका कोई मायने नहीं है। ऐसा है कि इसी तरह की बातें कहकर के पिछला जनादेश था, जो जनादेश था उसको तोड़ा गया। बात यह ना, जनता ने जिसको चुना उसके बारे में इस तरह कहना ये ठीक नहीं है। गठबंधन को वोट मिला था और जनता का आदेश जनादेश था वो इसी गठबंधन को था, इसलिए ये जो सुन रहे हैं लगातार वार पलटवार चल रहा है। अवधेश जी, अभी आपने सुना तेज प्रताप यादव को, सर जो सवाल अच्छा लगे वो सवाल का जवाब और जो सवाल अच्छा ना लगे उस पर चले जाना और अटैक करना शुरू कर देना और कहना आप जैसे तो 500 कई चैनल हमारे पास आते हैं, सर सत्ता का दम तो शुरुआत भी नहीं हुई। तो आप क्या, हम लोग क्या उम्मीद करते हैं तेज प्रताप यादव से, उनकी पार्टी जब सत्ता में थी। यही तो मैं दुर्भाग्य है बिहार का कि नीतीश कुमार को जनादेश किस कारण से मिला था। एक बिहार की पूरी छवि, वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकारों के साथ, वहाँ विद्वानों के साथ जो कुछ भी हुआ 15-16 सालों में, वो दुर्दशा सबने देखा है बिहार में। तो तेज प्रताप यादव की भाषा इसे, उन्होंने तो स्टेज से कहा था कि पकड़ के मारूंगा उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में, वो आपके ध्यान में होगा सभी टीवी चैनल पर चल रहा था। तो यही तो भाषा है कि नीतीश कुमार ने कौन सा कदम लिया है। अदिति जी, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी को 5 बार लगातार चुनाव में मिट्टी में मिला दिया, लास्ट में 18.84% वोट और 22 सीटों तक सिमटा दिया, पार्टी सभी परिवार के लोगों को हरा दिया। नीतीश कुमार ने 2015 में उनको ला करके फिर से जीवित कर दिया और आरजेडी आज एक बेहतर आधार वाली जनता दल यू से मजबूत पार्टी बिहार में खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार का महान योगदान है बिहार की राजनीति के लिए। हमको आपको अगर कल गाली सुनना पड़ता इस प्रकार की भाषा, तो उसके लिए तेज प्रताप यादव रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए ये माधव आनंद की पार्टी और नीतीश कुमार और बाकी लोग रिस्पॉन्सिबल है। माधव आनंद सर, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। जी प्रश्न क्या आदित्य जी मेरे से? ये प्रश्न ये है, तेज प्रताप यादव जिस लहजे में, अगर उनको सवाल अच्छा लगे तो सवाल का जवाब वो देंगे, अगर उनको सवाल अच्छा ना लगे तो वो डिमीन करेंगे सामने वाले को, ये क्या तरीका हुआ भाई? अब तेज प्रताप जी तो आरजेडी से हैं, अब तेज प्रताप जी अपने पार्टी के नेता हैं, अब ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था। अब किन संदर्भों में उन्हीं के साथ आपको सरकार चलानी है सर, नहीं कर सकता, और बिहार की जनता तो देख रही है, आपने तो चयन किया उनका। देखिए सरकार चलाना एक अलग बात है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है एक अलग चीज है। तो तेज प्रताप जी ने जैसा कहा, मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसा कहना चाहिए था, उसको अच्छे ढंग से भी कहा जा सकता है। लेकिन जहां तक अवधेश जी ने जिन बातों का जिक्र किया, अवधेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान भी करता हूं। उन्होंने कहा कि जितने कारण मैंने बताए सब कारण निराधार है। अवधेश जी आप बताने का काम करें, क्या गठबंधन में कोई भी घटक दल दूसरे घटक दल को तोड़ने की कोशिश करेगा तो क्या यह उचित है? आप बताइए, गठबंधन धर्म को पालन करना कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। बिहार के साथ आप भी जानते हैं, बिहार को अच्छी तरह आप भली भांति जानते हैं, ठीक है, संसाधनों वाला प्रदेश है। अगर हम लोगों ने विशेष राज्य की दर्जा आपने पहले भी कही, मैं अवधेश जी से सवाल का जवाब भी ले लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कमेंट दूंगी रतन शारदा का। नहीं नहीं एक सेकंड रुकिए सर, मुझे सबको मौका देना है। माधव आनंद, इस डिस्कशन में सबसे ज्यादा वक्त आप ही को दिया है सर। रतन शारदा जी, देखिए जिस तरह से कमंड से आरजेडी बात की, उसने उनकी जो यादव और एम वाई आर एम के इक्वेशन के कारण जो उनके अंदर एक हमेशा एक दबदबा और हमेशा एक बाहुबली नेचर बात करने की रही है, उसका स्पष्ट रूप से कमंड आपको देखना मिल गया। आने वाले समय शासन भी ऐसे ही चलेगा। और नीतीश कुमार जी, जैसे मैंने कहा, एक साल के अंदर नीतीश कुमार जी को लगता है
वो तेजस्वी के हाथ में सरकार जाएगी। नीतीश कुमार जी केवल अखिल भारतीय नेता के सपने देखेंगे, लेकिन इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार की अभद्रता, मुझे तो चिंता है कि आने वाले समय में इनके सो कॉल्ड सेक्युलर जो सारा पंथ है वहां पर इस समय जो ISI का खतरा मंडरा रहा है, बॉर्डर स्टेट के अंदर जो टेरर के मॉड्यूल बन रहे हैं उसके ऊपर ये क्या कार्रवाई करेंगे। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने UP में समझौता कर लिया था उनके साथ में, ऐसे कुछ ये करेंगे क्या, इसका मुझे बड़ा डर लग रहा है। और आने वाले साल में चीजें स्पष्ट होंगी और मुझे लगता है कि इसके ऊपर ध्यान इनको देना पड़ेगा। या कितना भी सज्जन बने लेकिन अल्टीमेटली RJD जिस तरह की पार्टी है सबको पता है, इसके बारे में किसी को शंका नहीं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट ज्ञान रंजन जी। देखिए, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ जो सरकार बनी है और विकास की धारा विकास में बिहार में बहे, नियुक्तियां हो, नई नई योजनाएं जो बहुत सारे दिनों से लंबित है उस पे हम विकास का कार्य करें, बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए रोजगार का सृजन करें और मिलजुल के इस बिहार को एक नई बिहार की तरफ ले जाएं। ठीक है, बिहार को सही दिशा में ले जाए, अच्छी दिशा में ले जाए, पॉजिटिव दिशा में ले जाए, हर कोई इस वक्त यही उम्मीद करेगा। सारे पैनलिस्ट जब आप ये बातें कर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। अवधेश जी आपसे सवाल पूछ रहे थे, माधव आनंद आपका जवाब सर। देखिए, मेरा कहना इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने नादान नहीं हैं कि ऐन चुनाव में चिराग पासवान को खड़ा करके और अपने साथी दल को हराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि बगल में RJD है, अगर सीटें घट गई तो हम सत्ता तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये तो एक ऐसा आरोप है, हम लोग भी बिहार के चुनाव में थे। ये बात सही है कि स्थानीय स्तर पर उनके उम्मीदवारों को जहां जहां BJP के असंतुष्ट खड़े थे उनके टिकट से मिल रहा था, इसलिए इसमें कोई सच्चाई एक पत्रकार के रूप में मैं कह सकता हूं नहीं है। जहां तक दूसरा आरोप था पार्टी को तोड़ने का कि एक मॉडल खड़ा किया जा रहा है, क्या BJP को पता नहीं है कि RCP सिंह की हैसियत नीतीश कुमार के साथ कुछ नहीं है? क्या एक साल तक बिना नीतीश कुमार की सहमति के वो केंद्र में मंत्री रह गए? ललन सिंह कह रहे हैं कि वो कैसे मंत्री बने वो ही बताएंगे, क्या नीतीश कुमार की कोई सहमति नहीं थी? तो यही मैं कह रहा हूं कि एक असुरक्षा बोध से ग्रस्त व्यक्ति इसी प्रकार की आशंकाओं में रहता है और फिर वो पूरे बदलाव को पलट देता है। माधव आनंद अच्छी तरह जानते हैं कि यह परिवर्तन जनता दल यू के भी बड़े लोगों को स्वीकार नहीं है अंदर से, लेकिन उनके पास कोई उपाय चारा नहीं है, उसको यह स्वीकार कर रहे हैं। मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज के साथ अपने इनसाइट्स जो है वो शेयर करने के लिए, और बिहार से लेटेस्ट तस्वीरें और जानकारी लगातार जारी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।